यात्रा का सांगठनिक इसका वजह से भी है और राजनीतिक वजह से भी, संगठन के लोगों को मैं एक मतलब ऊर्जा का संचार होता है, और दूसरा राजनीतिक कारणों से कि मौजूदा सरकार का जो टेन्योर चल रहा है उस टेन्योर को लोगों तक बताना, और जो विपक्ष का जो रोल होता है उस रोल को सदन के साथ साथ बाहर में भी अपनी भूमिका को बनाए रखना स्वाभाविक है। विपक्ष में है तो आने वाला समय में कैसे इन सत्ताधारियों को परास्त किया जाए, ये भी एक लक्ष्य। इस बार खास करके शायद अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसके वजह से कुछ अपोजिशन के तरफ से, मतलब आपके लिए अपोजिशन बीजेपी है, तो वहाँ से कुछ रिएक्शंस भी आएंगे, आपके ऊपर इल्जाम लगा कि आप झूठ फैला रहे हैं, और खास करके मंडल डैम के मामले में शायद आपको बोला गया है कि आप डिबेट में आइए, इस तरह का कुछ आपके बन सकता है। हमने चुनौती दी है जी, आप आइए डिबेट में बात करेंगे, मुख्यमंत्री को हमने डिबेट के लिए चुनौती दी है, इससे पहले भी हमने उनको कई चुनौतियां दी है, कभी नहीं आए। आज मंडल डैम पर ये लोग क्यों नहीं बोलते की सच्चाई कि 80% पानी 70% पानी बिहार को जाएगा जी, क्यों नहीं बोलते? डेढ़ लाख 2 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई खेतों में पानी जाएगा बिहार को, और 10 या 12 हजार इनके आंकड़ों के हिसाब से झारखंड को, ये बात क्यों नहीं बताते लोगों को? ये मैं बात लोगों को बता रहा हूँ तो ये क्या गलत है? जो उनके डॉक्यूमेंट कहते हैं, मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं अलग से कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। और अदानी का हो और मंडल डैम का हो, वो तो पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन पर है, ये मुझे आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन साथ साथ में आप देखेंगे रूरल एरियाज में जो डेवलपमेंट के जो वर्क्स हैं और डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं, उन फंड्स को बड़ी स्ट्रेटजिकली तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली सिस्टम के रूट से अपने कार्यकर्ताओं को देकर अपनी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट रूरल एरियाज में करने में लगी है। कभी आप ग्राम विकास समिति इन लोगों ने बनाया है, चाहे वो कमल क्लब बनाया हो, चाहे ऐसे कई छोटे छोटे इकाइयां बनाई है जिनकी कल को बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। उन लोगों को लगा करके बड़े पैमाने पर सरकारी पैसों का उपयोग अपने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए सरकार कर रही है। सबसे ज्यादा भुखमरी हुई है, लिंचिंग की केसेस हुए हैं, रेप के केसेस बढ़ गए हैं, मर्डर भी बढ़ गया है सब, तो इसको आप किस तरह से आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी किस तरह से एक मुद्दा बनाने जा रहे हैं, कितना बड़ा मुद्दा? अब मुझे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं, अब लोग खुद ही मुद्दा बना रहे हैं। आज ये लोग इस जगह पर आके खड़े हो गए कि अब इनको लोगों के पास खुद ही इनके मुद्दे पहुंच रहे हैं, और चूंकि हम यात्रा के दौरान उन मुद्दे को बहुत अच्छा से और विस्तार में लोगों को बताते हैं, तो और अच्छी तरीके से लोग चीजों को समझ पाते हैं, समझ भी रहे हैं। तो आज एक्सटॉर्शन का केस हो, आज एक्सटॉर्शन का केस उनके विधायकों पर लग रहा है, yes. लेकिन उस पर एफआईआर नहीं हो रहा है, दुल्लू महतो का जो मामला है, लेकिन यहाँ पर विधायक को एक साधारण सा
मतलब जन कल्याण के विषय पर पदाधिकारियों से बंधक करने पर उनकी सदस्यता ले जा रही है यहाँ पर जी। मी टू जैसे भी मामले मतलब रेप के एलिगेशन भी लगे हैं, उस पर भी कोई किसी तरह बहुत सारे चीजें हैं। आप लोगों ने वो व्हाट्सएप तो देखा ही होगा कि यहाँ एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसके पिताजी गए उसके जनता दरबार में उससे मुहार लगा न्याय मांगने के लिए, कैसे धक्के मार के उसको निकाला गया, कैसे बेइज्जत करके निकाला गया, ये सब तो आप लोगों ने देखा ही। इसमें कोई अब फर्जी इनकाउंटर, फर्जी ये क्या बोलते हैं सिलेंडर पेपर में तो आया, कौन कौन पदाधिकारियों के नाम जी। नाम के साथ आया, वो सभी पदाधिकारी आज बीजेपी के पॉलिटिकल कैडर के रूप में काम करते हैं, बीजेपी का मेंबर है सर। तो ये बात छुपेगी नहीं। एक और चीज हुई थी इस बार खास करके, एक नॉन ट्रैवल आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया झारखंड का, अभी तक का जो चार साल से ऊपर का कुछ ये रहा है, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं झारखंड के संदर्भ में, जहां पे एक और बड़ी घटना हुई है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में भी बदलाव किया गया। क्या ये सरकार आदिवासी विरोधी है, आप भी ऐसा मानते हैं समझते हैं, और है तो आपके हिसाब से और भी क्या कुछ चीज़ें हैं इसमें? देखिए वैसे तो राज्य अलग होने के बाद सबसे अधिक राज्य में राज्य के मुख्य पदों पर या मुख्य कुर्सी पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही रहा जी, चाहे वो किसी भी टेन्योर में रहा हो, और आदिवासी रहे। ठीक है, हम भी उस पीरियड का एक हिस्सा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, और हमको लगता है कि उस समय जो राज्य की स्थिति रही है डेवलपमेंट का, चाहे फिनेंशियली कह रहे हैं, चाहे जीडीपी के बारे में कहें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कहें, चाहे लिंचिंग की बात करें, चाहे ऐसी घटनाओं को यदा कदा या नहीं सुनने को मिला जी। और आज तो जो हालत है आंकड़े तो कितने हैं बता रहे हैं सुनो जी, उस हमारे समय का और इनके समय का तो आपको बहुत बहुत बड़ा गैप आपको दिखेगा। तो इसका मतलब ये सरकार व्यवस्था चलाने में नाकाम और फेलियर रही है सिस्टम को चलाने में, और आज इसका नतीजा है कि मैं समझ सकता हूं कि ये सरकार इसको आप आदिवासी विरोधी कहें या झारखंड वासियों मूल वासी विरोधी कहें, लेकिन ये विशुद्ध रूप से एक सरकार का जो माइंड होता है, गवर्नमेंट की जो एक सोच होती है, आमतौर पर कहा जाता है कि सरकार वेलफेयर होनी चाहिए, क्या होती है सरकार उनके लिए भी है जो लोगों ने उनको वोट दिया, सरकार उनके लिए भी है जो लोगों ने वोट नहीं दिया, सभी लोगों के लिए। लेकिन इस सरकार में ऐसा है एहसास नहीं होता। तब इसको आप कैसे लेंगे, आदिवासी विरोधी लेंगे, झारखंड विरोधी लेंगे, मूलवासी विरोधी लेंगे? ये एक जो गुड गवर्नेंस की बात करें जी, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ गवर्नेंस नाम की कोई चीज है। गुड तो बात की बात, ये एक मिशन पर काम कर रहे हैं, और वो हिडन मिशन तो धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा
एक पॉलिटिकल हिडन एजेंडा इनके अंदर है जिसको